हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो आप सुनने की कोशिश करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं। तो जो लोग पेपर होने से पहले कह रहे थे कि 160 प्लस कट ऑफ जाएगी, 155 प्लस कट ऑफ जाएगी, 150 प्लस कट ऑफ जाएगी केवीएस पीआरटी की, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेके मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी भीड़ जुड़ी है और मेरे साथ भीड़ है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में, और अब वो लोग कह रहे हैं कि 130 35 इतना कट ऑफ चला जाएगा, ठीक है ना, 140 भी कह रहे हैं। तो अब वो कट ऑफ में इतना डाउन क्यों हो गए, इसका वजह बता देता हूँ। पहले उन्हें कोर्स बेचना था, कोर्स बेचने के लिए वो चाहते थे कि एक इनसिक्योरिटी का माहौल बन जाए, कि जिसको, क्योंकि 160 प्लस कट ऑफ जाना मतलब बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन। तो मानो आप तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि यार मेरे 160 तो नहीं आ रहे, और फलाना जाना कह रहा है 160 कट ऑफ जाएगी, तो आप उनका कोर्स खरीद लेते, ठीक है ना। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कट ऑफ डाउन जाएगी, क्योंकि अब उनमें से ही एक दो ही हैं जो आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अब वो इंटरव्यू बैच स्टार्ट करेंगे। और इंटरव्यू बैच में अब अगर वो 160 प्लस कट ऑफ कहेंगे तो 160 से ऊपर वाले इंटरव्यू बैच लेंगे। अब इंटरव्यू बैच तो वो चाहते जाते ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो हर जगह बिजनेस करेंगे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता आप सेलेक्ट हो रहे हो आप रिजेक्ट हो रहे हो, वो बिजनेस करते रहेंगे। आप नहीं सेलेक्ट होंगे तो किसी सेलेक्टेड को उठा के उसका इंटरव्यू करा देंगे, क्योंकि वो सारी स्ट्रेटेजी जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को मोल्ड करना और किस तरीके से उसे अपने यूज के लिए इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अब वो कट ऑफ को डाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके इंटरव्यू कोर्सेज को खरीदें, क्योंकि वो लॉन्च करेंगे, आज नहीं करा कल करेंगे, लॉन्च तो करेंगे, ठीक है ना। नहीं करेंगे तो YouTube पे जो इंटरव्यू की वीडियो डालेंगे वो चलेगी, उससे पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी कट ऑफ मैंने बताई है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि रिपीट करने से मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि ये बार बार इम्पिसाइज कर रहा है कि ऐसा ही होगा, ठीक है ना। जितनी भी मैंने क्विज पीआरटी की कट ऑफ कही है, उतनी नंबर जिसके आ रहे हैं उससे 5 नंबर कम भी हो और 1-2 नंबर भी कम हो, मतलब 5 नंबर तक का मार्जिन लेके चलो, उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन से फायदा मिल सकता है। तो वो लोग तैयारी करें, और तैयारी करने का 3 सिंपल स्टेप्स थे। पहला स्टेप, आपको अपना जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का सिलेबस है एनसीईआरटी का, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे पढ़ लेने, उसमें जो भी पोयम है, ये है वो है वगैरह, सब कुछ पढ़ लेना है, कि आपको सब पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर किस चैप्टर में किसने क्या लिखा, क्या कुछ सब कुछ। सेकंड पॉइंट, आपको अपना टीचिंग एप्टीट्यूड इम्प्रूव करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या बोर्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे आपको टीचिंग एड का हेल्प लेना है वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा, सबसे जरूरी, आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। देखो, याद रखना, आप चूज नहीं कर सकते कि आपका इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, आपका इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होगा आपको नहीं पता, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल होना है, प्रेफरेंस देनी है इंग्लिश को, अगर वो अलाउ करते हैं तो हिंदी में, तो आपको बोलना सीखना चाहिए, अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, इंग्लिश में आप अपने बारे में कैसे बताएंगे, इंग्लिश में आपसे कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब कैसे देंगे, ये सब चीजें करनी है। और मैंने जैसा कि कहा था कि थोड़े समय बाद, क्योंकि अभी जरूरी भी नहीं है, थोड़े समय बाद, क्योंकि अभी सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी वाला पोर्शन पूरा करो, जो कि स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 2 और 3 की तैयारी तो मैं नहीं कराऊंगा, देखिए मैं एक्सपीरियंस वीडियो डालूंगा केवीएस पीआरटी टीचर्स की, जिसमें आप लोगों को शेयर करा जाएगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और उनसे क्या क्या पूछा गया, जिनसे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो बड़े ये बिल्कुल भी नहीं कि जिसका बड़ा नाम है वो बिल्कुल बड़ा हो, ठीक है ना। बड़ा छोटा कर्मों से होता है, ठीक है, नाम से नहीं होता, नाम बन जाता है, वो उस चीज में पहले आ गए और भीड़ ज्यादा जुड़ गई, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ इतनी डाउन कैसे हो गई, उसका मैंने जवाब दिया। अब बुरा लगे अच्छा लगे वो एक अलग चीज है। धन्यवाद।